तो ताऊ जी हो गए तैयार? अभी नहीं हुआ ताऊ। तो दीदी तुम यार पूर्ण धारित कोई बात नहीं, जब तक मेरी जिंदगी रहे मैं आपको देखती रहूं और मैं क्या कर सकती हूं। दोस्तों हम ये जो गांव है आज यहां से निकल रहे हैं और यहां से इस अब हम जाएंगे कोशिश करेंगे कि जमरी जाएंगे, एक गांव है वहां पे आगे की तरफ। तो सोलाड को इस समय बाय बाय बोलते हैं और अब सोलाड की जितनी भी वीडियो है और उसके आसपास की जितनी भी वीडियो हमने आपको दिखा दी और ये सारे भाई लोग हैं मेरे पीछे, दादी है, उनसे भी मिलूँगा अगली बार, अब आता रहूँगा क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा गांव में रह के। और इस समय ताऊ जी हैं ऊपर तैयारी कर रहे हैं, ताला लगा रहे हैं और बार बार आता रहूँगा, हर कोशिश करूँगा हर दो महीने में, डेढ़ दो महीने में एक चक्कर लगाते जाऊँ क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट मिला है इन अपने भाई लोगों से। ये भी गए जंगल में साथ में, गए और भी जगह, बहुत जगह मुझे घुमाया और इस बार मनीष का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छे नंबर लाए, साथ में क्रिकेट मैच भी जीते। अब हम आगे आपको दिखाएंगे और भी गांव दिखाएंगे उत्तराखंड के, अभी इसी गांव में फिर आऊँगा मैं, हो सकता है गर्मी में आऊँ, फिर यहाँ डीपली इसको एक्सप्लोर करूँगा और इसके आसपास के जितने भी गाँव छूटे हुए हैं उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल यहाँ से हम निकलते हैं। तो ताऊ जी हो गए तैयार? तो ताऊ जी फिलहाल ये जितने भी भाई लोग हैं, कैसा लगा मेरे साथ? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिषेक से पूछूंगा कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, आप यहाँ बहुत खुशी हुई आप यहाँ आए हमसे मिले, बहुत और दादी आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अपने पोते मिलकर, मैं छोटे में मिली थी, अब इतने बड़े मिल रही हूँ, बड़े में देख रही हूँ। अच्छा, इसे ऐसे आशा करती हूँ कि ऐसे मिलती रहूँ। अच्छा, जब तक मेरी जिंदगी रहे मैं आपको देखती रहूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। बस अब मैं बता दूं दोस्तों, दादी के साथ मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ में। दादी के साथ खूब इंजॉय किया, कंडेली की सब्जी भी बनाई और चटनी भी खाई दादी के हाथों की। अभी और कुछ नहीं खाए, अब गर्मियों में खाना। अब अगली बार आएंगे क्योंकि इस समय थोड़ा ठंड है, लेकिन गर्मियों में आएंगे तो दादी के साथ और टाइम स्पेंड करेंगे और समय व्यतीत करेंगे। और ये चाचा जी हैं हमारे, ये पूरा ऑलराउंडर है। तो चाचा जी कैसा लग रहा लगा? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ ताऊ जी आए, मैं आया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे सब धीरे-धीरे सब आते रहें। अच्छा, हमारे को मजा आता है। हाँ हाँ, आप लोगों से हम एंजॉय करते हैं। हाँ, बड़ी खुशी होती है। हाँ, मैं तो चाहता हूँ हर दूसरे तीसरे महीने में आते रहे। अच्छा, तो चाचा जी हैं कह रहे हैं कि आते रहें तो अच्छा लगता है क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी वो अकेले पड़ जाते हैं। हमारा भी मन करता है कि सही बात है, और हमें भी, मैं सच बताऊं कि हमें भी तभी तभी आने की एक इच्छा जागती है जब यहाँ पे कोई होता है। अब यहाँ हमारे चाचा जी नहीं होते तो हमें लगता है यार गांव में कोई है तो नहीं जाना क्यों है। दादी दीदी दीदी तो दीदी तुम यार कोई बात नहीं, ये बहुत मेहनत का काम है और ये मैं बता दूं बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं। अच्छा, पूरे सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते हैं। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हमको, मतलब हम आए आते हुए यहाँ। अच्छा, तो हम कोशिश करेंगे कि और भी लोगों को लेके आए। ठीक है, मैं अपने भाई और भाई लोगों को लेके आऊंगा और आप सबसे मिलूंगा, नीचे भी आऊंगा पूरे गांव में, सबको मिल के आए। चलो धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ जी आप कुछ कहना चाहोगे जाते जाते दोस्त लोगों को? और क्या मिलते यहाँ से कुछ? ये कि हम अभी तो जा रहे हैं लेकिन हम दिनों के बाद फिर आएंगे। और यहाँ बिल्कुल जो है स्वर्ग की तरह है यहाँ। युवाओं को कुछ संदेश देना चाहोगे? जितने भी यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन को मैं कहता हूँ यहाँ आओगे तो तभी तुम्हारा यहाँ से लगाव रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और तुम यहाँ आओगे नहीं तो तुम सोचते हो वहाँ बाघ होगा या कोई और चीज होगा तो डर के मारे जो है नहीं आ सकते हो। कि भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा है। हाँ, सारी फैसिलिटीज है। तो दोस्तों अपने भाई बंधुओं को भी बताएगा कि भाई वहाँ पे अच्छा है चलो, क्योंकि हम बुजुर्गों का कहना उतना नहीं मानते। हाँ, लेकिन अपने जो समकक्ष होते हैं उनका कहना जल्दी मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहता हूँ कि भैया जो अपने आपस में बात करके सबको लाओ यहाँ। पहले मैं भी यही सोचता था दोस्तों कि यार कैसे वहाँ रहूंगा, इतने पहाड़ में क्या सुविधा होंगी, लेकिन जब यहाँ आके पता चला कि यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट भी है और माहौल भी बहुत अच्छा है। और आप गर्मियों में अगर मेरे साथ आना चाहो कमेंट्स में मेंशन जरूर करना, मेरे भाई लोग और जितने भी सब देख रहे हैं सारे मेरे दोस्त हैं
जरूर आने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से ये स्वर्ग है। अगर आपने स्वर्ग देखना है तो यहाँ आओ, फिर यहाँ आपको पता चलेगा कि क्या लाइफ होती है। और थोड़ा सा ये है कि आपकी फिटनेस भी अच्छी हो जाएगी, खाना भी ज़्यादा खाओगे, खाना भी ज़्यादा खाओगे, पेट की बीमारी आपको होगी नहीं, तो ये कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यहाँ पे सिग्नल भी अच्छे आते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें, और जितना ये वीडियो है इसको शेयर करें, और जितना आप वीडियो को शेयर करोगे, जितना आप प्यार दोगे, मैं और ऐसी वीडियोस आपके पास लाता रहूँगा, और आपको ऐसी ऐसी प्यारे लोगों से मिलाता रहूँगा। तो इसी के साथ बाय, मिलते हैं अगले गांव में।